और ये दूसरा और आ गया हमारा। अरे तेरी बात, बेला नाम इसका भाई है। ये तीन पॉइंट नहीं चल रहे इसके, एक दो तीन चार है। नंबर प्लेट भाई चेक करो कैसी लग रही है। एक बार तुम्हें ना लाइट दिखा देता हूँ भाई, पर कल दूसरी थी आज दूसरी है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कल के अपने व्लॉग में यार तुमने देखा होगा अपनी जो बुलेट है भाई, उसमें मैंने टेल लाइट लगाई थी है ना, तो वो टेल लाइट है यार उसके तीन पॉइंट भाई खराब हो गए। पता नहीं कैसे यार, या तो वो मैंने ऐसे मोड़ के लगाई है ना उसकी वजह से वो खराब हुआ है, या उसमें कोई और दिक्कत है। तो वो अभी चल के देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। और एक दिक्कत और अपनी बुलेट में भाई, हेडलाइट है ना जो अपनी, वो भाई मिस्त्री ने लगा दी उल्टी। ठीक है, जो अपनी उसमें रिंग डलवाई थी ना हमने, अपनी जो रिंग बेंड हो गई थी, वो जब न्यू डलवाई थी ना हमने, तो मिस्त्री ने भाई वो लाइट है ना अपनी वो उल्टी लगा दी। ठीक है, हाई बीम जल रहा है नीचे और लो बीम जल रहा है भाई ऊपर, मतलब उल्टा हो गया सिस्टम। हाई बीम नीचे जल रहा है और लो बीम ऊपर जल रहा है, तो उल्टा सिस्टम हो गया। तो वो भी आज सही करेंगे। तो एक बार बुलेट को लाता हूँ भाई बाहर, बाहर तो है बट थोड़ा ना धूप में लाते हैं, क्योंकि भाई सर्दियों में ना धूप में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है। अभी भी मैं धूप में बैठा हूँ और थोड़ा आलस सा भी आ रहा था, मैंने कहा यार क्या यार व्लॉग भी तो स्टार्ट करना है, अभी मेरे को एकदम याद आया। तो जल्दी से लाते भाई बुलेट को इधर, और उसकी जो लाइट ऐसी हो रही है ना उल्टी, उसको ठीक करते हैं, और उसकी जो टेल लाइट के तीन पॉइंट्स खराब हो रहे हैं ना उनका कुछ जुगाड़ करते हैं ना। और भाई अपना न्यू पैट देख लो, एक डोडो था ही अपना पहले वो रहा, और एक ये और आ गया ले भाई। और भाई क्या हाल है, बेला नाम इसका भाई, ये फीमेल है क्या है ये भाई ने नवाई है अभी। इनकी आँख देखो भाई कैसी आँख, एक वाइट है और एक नॉर्मल है। फोन को खाएगी तो गाई वो खड़ी भाई अपनी बुलेट, और इसकी ना जो हेडलाइट है भाई ये हो रही है उल्टी। हो रही क्या भाई, मिस्त्री ने उल्टी लगा दी, इसकी ये चीज़ नीचे आएगी और ये चीज़ ऊपर जाएगी, इसके उल्टे सीधे जल रहे हाई बीम लो बीम है ना। और अपनी जो टेल लाइट है ना जो हमने कल लगाई थी, इसके दो तीन पॉइंट नहीं जल रहे। तो इसका मैंने जुगाड़ सोचा भाई, ये इसकी जो अंदर स्ट्रिप है ना ये वाली, ये निकालेंगे और इसमें नियोन की स्ट्रिप लगाएंगे है ना, जो मेरे पे नियोन पड़ी है ना काफ़ी सारी, उसकी स्ट्रिप निकाल लूँगा अंदर से और इसमें डाल दूँगा। ठीक है, ये ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि ना ये थोड़ी भाई ऐसे ही होती है अपना, कैसे इसको स्ट्रेच कर लो, इनकी ना स्ट्रिप ख़राब नहीं होती, उसकी हो जाती है। तो इसके अंदर स्ट्रिप है ना जो, ये निकालेंगे और उसमें डालेंगे फिर है ना। तो करते जल्दी से जुगाड़बाजी, और एक बार तो मैं उसको जला के दिखा देता हूँ कि वो कैसे ख़राब हो रही है ना, कौन से पॉइंट नहीं जल रहे। बुलेट है जो भाई अपनी वो आ चुकी है बाहर, और अगर तुम्हें ना स्ट्रिप को जला के दिखा देता हूँ, अपनी जो टेल लाइट है भाई जल चुकी है गाइस। और ये देखो भाई, ये तीन पॉइंट नहीं जल रहे इसके, एक दो तीन चार है, चार नहीं जल रहे। और इधर की साइड के अब ख़राब हो गए सारे, देखो ये सारे भी ख़राब हो गए। तो इसकी जो स्ट्रिप है ना अंदर, ये निकालेंगे भाई और नियोन की स्ट्रिप निकाल के वो लगाएंगे इसमें, ये जुगाड़ इसका हो सकता है, पॉसिबल भी यही है। और नियोन में पहले लगाने की सोच रहा था भाई यहाँ पे, पर यहाँ पे वो लगेगी नहीं भाई है ना, चिपक ही नहीं रही इसमें, ये क्रोम है ना भाई, इसमें वो चिपकती नहीं है वो, क्या भाई कोई भी चीज़ इसमें ना पकड़ करती नहीं है, ये क्रोम होती है ऐसी है। और भाई बुलेट बिल्कुल वॉश वगैरह करके देख रहे हो, कितनी मस्त साइन मार रही है ना, और पॉलिश मार दी भाई मैंने टायर पर। पॉलिश मारने का यार मेरे को बेस्ट तरीका पता लगा भाई, अब पहले पॉलिश मार दो ठीक है अपना भाई, रात के टाइम जब भी बाइक खड़ी करो तब पॉलिश मार दो, और सुबह ना सूखे कपड़े से हल्का हल्का साफ करो, फिर बढ़िया पकड़ करेगी पॉलिश। अब देखो मैंने ऐसे ही किया था, कल रात को मैंने पॉलिश मार दी थी और अब सूखे कपड़े से ना ये साफ़ किया है, पॉलिश थी ना जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वो साफ़ किया, बिल्कुल टायर ब्लैक चमक रहा है बढ़िया, इधर की साइड से देखो है ना चमक रहा है ना, और सबसे अच्छा चमक रहा है अगला वाला फ्रंट वाला, देखो भाई लग रहे ना बढ़िया, ये बेस्ट तरीका है भाई पॉलिश को यूज़ करने का। तो सबसे पहले करते हैं भाई अपनी हेडलाइट को चेंज, ठीक है इसको बदलते हैं और फिर करेंगे अपनी टेल लाइट की, फिर करेंगे अपनी टेल लाइट चेंज है ना, इसका जुगाड़बाजी जो भी है फिर करेंगे इसका। तो भाई लाइट है ना जो अपनी, वो भाई खुल के और मतलब सीधी लगा दी है जैसे लगनी चाहिए थी। और एक बार ना तुम्हें हाई बीम इसके लो बीम चला के दिखा देता हूँ, वैसे तो ज़्यादा नोटिस होंगे नहीं, वैसे ये है भाई लो नहीं ये हाई है, देखो थोड़ा अब लो है, अब देखना लो में जलेगा ऊपर का, हाई में जलेगा नीचे का, ऐसे ही रहता भाई उल्टा सिस्टम है। लो रहता है ना जो वो मारता भाई नीचे, और हाई रहता है ना जो वो मारता है लाइट ऊपर, ऐसे रहते हैं, कहने का मतलब ये भाई लो ऊपर रहता है हाई नीचे रहता है, ठीक है अब सेट है, हाई नीचे का ही जल रहा है, पहले लो नीचे जल रहा था उल्टा था पहले, अब रह रही है अपनी टेल लाइट। स्कोर करते गाइस जुगाड़ इसका कुछ है ना,
ये तीन जो तीन चार पॉइंट इसके बंद हुए ना बेकार लग रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा ये ना। तो देखते हैं कैसे निकलेगी, निकाल के फिर इसमें नियोन लगाएंगे ना। नियोन है ना वो आ चुकी है, अब एक बार ना भाई ये नाप लेता हूँ कितनी मेरे को चाहिए है ना, यहाँ से लेके और इतनी स्ट्रिप आएगी इसमें, ठीक है। तो नाप के एक बार कट कर लेते हैं और फिर इसमें सोल्डिंग करनी पड़ेगी। सोल्डिंग यार होती नहीं है, वो पता नहीं कैसी है, इसके जो पॉइंट है ना पुक जाते हैं। टेल लाइट थी ना इसकी स्ट्रिप निकल चुकी है, हाँ ये रही भाई देखो ये इसकी स्ट्रिप है जो इसके अंदर भाई ऐसे डल रही थी, अब निकालनी हमें इसकी स्ट्रिप जो इसके अंदर डल रही, देखो ये वाली निकालनी है और ये डालनी फिर इसके अंदर, ठीक है। और फिर इस पर सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग करके फिर ये हो जाएगी बढ़िया, फिर इसमें भर देंगे बॉन्ड है ना। बॉन्ड से पता है क्या होएगा, वाटर प्रूफिंग हो जाएगी इसकी, पानी वानी नहीं जाएगा अंदर, तो पानी नहीं जाएगा तो भाई ख़राब भी नहीं होगी है ना। तो निकालते इसकी स्ट्रिप को फिर इस पर सोल्डिंग वगैरह करके और फिर करते इसको सेट। नियोन स्ट्रिप थी ना वो निकल चुकी है, एक बार मैं इसको भाई टेस्ट कर लेता हूँ है ना, चल रही है कि नहीं। वैसे तो चल रही होगी क्योंकि भाई ये ओरिजिनल है, ठीक है, जो ये नियोन है ना ये भाई बिल्कुल ओरिजिनल है। जब ये स्टार्टिंग में आई थी ना भाई, नियोन ट्रेंडिंग में चली थी, मैं तभी ले आया था ये, तब मेरे को ये ओरिजिनल मिल गई थी बढ़िया। एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं ना, ऐसे तो यार चली तो सही भाई अभी है ना, टेल लाइट थी ना वो लग चुकी है भाई बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया, ठीक है। इसमें बॉन्ड वगैरह भर दिए, बढ़िया लग रही है, बड़ी सही लग रही है भाई है ना, रात में और सही लगती है भाई। अभी थोड़ी दिन हो रहा है ना तो वैसी लग रही है, थोड़ी रात होगी ना जब ज़्यादा चमकेगी। तो गाइस अभी फ़िलहाल अपनी प्लानिंग कुछ ऐसी है भाई, हम जा रहे हैं अपना मार्केट, अपनी जो तुम्हें पता भाई अपना जो फ्रंट नंबर प्लेट थी ना वो हमने हटा दी थी, उस पर फिर लगाया था हमने फ्रेम, तो इस पर बनवाएंगे एक नंबर प्लेट बढ़िया सी है ना, वो डिसाइड करेंगे किस नाम से बनवाएं। इसके नंबर लिखवाओ या अपना नाम, नंबर नंबर बुलेट तो मेरी है, नाम अच्छा लगेगा है ना। शेखर 5600 लिखवाऊँ या खाली शेखर, यूट्यूब आई डी बनवा दूँ, अच्छी लगेगी। चलो गाइस तो भाई ये चीज़ करेंगे वहीं पे डिसाइड कि इस पर क्या बनवाए, ठीक है। यस मैंने भी इस पर मारी, देख चमक रहे तगड़े टायरों की पॉलिश है भाई, ये पता कितने रुपये की, 300 रुपये की बोतल है भाई, बहुत महंगी है, ज़्यादा खर्च मत करिए, टायर पे मार दो, चलो संजू भाई फिर है। तो गाइस चलते जल्दी से पहुँचते हैं और आज इसकी नंबर प्लेट बनवा जाते हैं ना भाई। चलो भाई तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी, स्टार्टिंग है मार दे इस पर भाई, चल जाए काम, ले भाई स्टार्ट, चौक उठा के ही करनी पड़ेगी यार संजू भाई, यार ओल्ड मॉडल है ना जो, ये चौक उठा के स्टार्ट होती है जब भाई, अंगाई आ रही है तो, हैं अरे स्टार्ट ना हो रही है अपनी बुलेट, तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं फिर मिलते हैं तुमसे। अपनी जो बुलेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और एक चीज़ भाई मैं और नोटिस कर रहा हूँ, इसकी सर्विस होने के बाद ना साउंड चेंज हो गई है, ऐसी कड़क सी साउंड कर रही है ना, कड़क बढ़िया। तो चलते भाई जल्दी से पहुँचते मार्केट और मिलते तुम्हें वहीं पर, और देखेंगे भाई कोई स्टीकर वगैरह भी अगर पसंद आ गया ना वो भी लगवाएंगे। बैटरी बॉक्स अपना खाली है, ये भी टूल, ये फिल्टर बॉक्स भी खाली है अपना और बैटरी बॉक्स भी। तो चलते भाई जल्दी से पहुंचते हैं, मिलते हैं तुम्हें अब शॉप पे।
नंबर प्लेट वगैरह तो अपनी होगी कंप्लीट। ये खड़ी भाई अपनी बुलेट, अब कुछ खा रहे भाई, थोड़े ले रहे गोलगप्पे। संजू भाई कह रहे थे भाई गोलगप्पे खाऊंगा, मैंने कहा भाई खा ले यार, सही है भाई, थोड़ा जी साफ हो जाता है। पेट्रोल भरवा रहे अपनी बुलेट में, वैसे तो भाई टंकी अपनी फुल है, पर ताऊ इनकी एवरेज ना रहा है, 100 को तो फिर भी गिर दे। एवरेज ना रह गया ना, मैं तो गिरवाते ही रहूँ ताऊ, हमें 5 किलोमीटर गया और 100 को गिरवाया मैंने, तो ये भी चलता रहा अपना। 40 है ताऊ, 20 की भी ना दे भाई, सही में भाई पीछे टायर ना देगा तेने हमें। भाई यार पहुंच चुके हैं और नंबर प्लेट भाई चेक करो कैसी लग रही है, रेड कलर की अब के बनवाई है भाई, थोड़ा अलग। मैंने कहा यार ब्लैक भी बहुत बनवा ली है और वाइट भी बहुत बनवा ली, मैंने कहा आपको थोड़ा अलग करते कुछ, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसी लग रही है तुम्हें। ना थोड़ा वीडियो में भाई थोड़ा डार्क सी लग रही है, मैं भी देख रहा हूँ जैसे वीडियो में तो थोड़ा डार्क लग रही है, इतनी डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट है, मेरे को तो लग रही है भाई बढ़िया। और तुम्हें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि तुम्हें कैसी लग रही है ना। और एक बुलेट में दिक्कत है यार, लीकेज हो रही है, ये कहाँ से हो रही है इसमें से भाई। तो भाई अभी जो लीकेज हो रही थी ना अपनी बुलेट में तो हो रही थी भाई इस नट से, तो थोड़ा सा अभी मैंने कसा है, तो अभी देखते हैं, अभी तो लीक हो नहीं रही है, थोड़ी मैंने चला के देखी, अभी तो लीक नहीं हो रही, पर थोड़ा और चला के देखेंगे, अगर लीक हुआ ना तो इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा है ना। और नंबर प्लेट भाई मुझे तो लग रही है सही में कैडी तगड़ी भाई तगड़ी। और तुम्हें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आपको कैसी लग रही है। तो अब भाई बुलेट है ना जो, वैसे तो गंदी नहीं है बट थोड़ी थोड़ी धूल है इस पर, वो सूती कपड़े से एकदम साफ़ कर देंगे बढ़िया, फिर अपनी बुलेट है ना जो वो गंदी नहीं होएगी कभी, चमकती रहेगी, ये सबसे बढ़िया इलाज है भाई अपना ना। जैसे ही थोड़ी बहुत जितनी भी चला के आओ तुरंत कपड़ा मार दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया साफ़ रहती है। तो अभी जा रहा हूँ भाई अंदर, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, फिर कुछ अपना थोड़ी बहुत ठंडी भी हो जाएगी बुलेट है ना, अभी थोड़ा हाथ वाथ जलने का डर है, इतना अपनी बुलेट भाई हो जाएगी ठंडी और फिर कर देंगे इसको थोड़ा बहुत साफ है ना। और एक चीज़ और यार, मैं जो पीछे वाला नंबर प्लेट थी ना ये भी ऐसी कराने की सोच रहा हूँ, रेड बढ़िया लगेगी ये भी है ना। तो भाई कमेंट करना कि ये वाली प्लेट को ऐसी रखे या रेड करा दे इसको भी है ना उसके जैसा ही, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी लगेगी भाई, पर तुम एक बार कमेंट करना कैसी लगेगी। और बंदर देखो कहाँ घूम रहे भाई, ये बंदर है ना इतने ऐब करते भाई, बहुत शरारत करते बहुत, ये सॉरी ग्रिल है ना बहुत तेज कूदते इन पे, अभी डोडो डोडो भाई दुश्मन है इनका तगड़ा है। एक बार अभी डोडो की और एक वो बंदर नहीं होता बड़ा वाला, उसकी लड़ाई बाज गई थी, इसका फेस फाड़ दिया था, यहाँ तक टाँके आ रहे देखो ये वाले देखो, और ये दूसरा और आ गया हमारा। अरे तेरी बात ऊपर चढ़ जा भाई, तो ऊपर चढ़ना यार, ले भाई डोड़ो यार सूदा है अपना भाई, कुत्ता नहीं है, वरना और कोई कुत्ता होता ना अब तक तो इसे मारता बहुत। और भाई ने देखो सुबह नवाई है, बाल कितने बड़े से हैं इसके हैं, ये हस्की ब्रीड है, हस्की हस्की ये हस्की नाम तो इसका बेला है, बेला बेला बेला। इसकी आइज देखो भाई, एक वाइट है एक ब्लैक, देखिए भाई अपने डोडो की दोनों रेड है, खतरनाक। डोडो लपेट दे इसको तू, मार इसे मार, इसे नहीं मारेगा ये, अगर कुत्ता होता ना तब मारता। डोडो के यार ये फ्रेंड है भाई, जब ये छोटी सी थी ना पहले भी आई, एक बार अपने पीछे व्लॉग में देखा होगा तुमने भाई, पहले भी हम लेके आए थे इसको, अभी फिर आ गई, वो बंदर पे घूस रही है। पढ़ो डोडो देखो, पढ़ो बंदर का मुंह सफेद हो रहा बंदर का, ओहो शू पढ़ो बंदर के कहाँ, बंदर का देखो फेस सफेद हो रहा है, हाय बंदर, ओ कुछ चून खाया है किसी घर का। चलो भाई तो भाई जा रहे हैं अभी अंदर, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर अपनी बुलेट को करेंगे साफ। भाई प्लेट तो मस्त लग रही है यार, यहाँ से देखो कैमरे में तुम्हें इतनी बढ़िया नहीं दिख रही होगी बट रियल में यार मस्त लग रही भाई है ना, सही लग रही है, रेड कलर अच्छा लग रहा है। तो भाई अपनी जो बुलेट है वो एकदम क्लीन हो चुकी है, अभी तुमसे बोला था ना भाई जब बुलेट अपनी ठंडी हो जाएगी जब इसको साफ करेंगे बढ़िया, तो साफ हो चुकी है। एक बार तुम्हें ना लाइट दिखा देता हूँ भाई, कल भी देखी थी तुमने पर कल दूसरी थी आज दूसरी है, तो ये मेरे को यार ज़्यादा तेज़ लग रही है भाई, जैसे ये ज़्यादा तेज़ जल रही हो है ना, तो एक बार तुम कमेंट करना यार कि ये ज़्यादा तेज़ जल रही है या पहली ज़्यादा तेज़ जल रही थी, मेरे को तो ये वाली लग रही है, पर एक बार तुम कमेंट करना क्योंकि नियॉन है ना जो उसकी जो लाइट होती है वो तेज़ जलती है भाई, पता नहीं क्यों।
और तुम एक बार कमेंट करना ठीक है। मेरे को तो बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। यहाँ पे लाइट है ना, मरघाट में नीचे अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे सही लग रही है, बढ़िया एकदम। साइड से देखना और इंडिकेटर एक बार जलाऊं। ला भाई इंडिकेटर जल चुके हैं, अब लोग और तकड़ी आएगी। ला भाई इंडिकेटर चल गए तो मस्त लगते हैं, है ना, लग रही है ना तगड़ी। और आगे से एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। ला भाई अपनी नंबर प्लेट रेड कलर की। एक चीज़ और मैंने सोची है, अपना जो पीछे वाली प्लेट है ना वो भी चेंज कराएंगे, रेड ही कराएंगे। प्लेट ऐसी रहने देंगे, डिज़ाइन भी ऐसे ही रहने देंगे, बट इसका कलर चेंज करा देंगे, ठीक है, बढ़िया लगेगी, पता है मुझे पक्का। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।